हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल बलून स्लीव्स बनाना सीखेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्लाउज का मेजरमेंट ये है। रेडी होने के बाद ये डिज़ाइन इस तरह दिखेगी। ये स्लीव्स मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज पर बनाऊंगी। इसका फ्रंट बैक मैंने रेडी करके रखा है, जो नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही रहेगा। इसके नेक पर मैंने हल्का सा कर्व शेप दिया है। इसकी स्लीव्स जो हम बनाएंगे वो आर्म होल पर अटैच नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आर्म होल पर भी सिलाई लगा दी है। अब हम फ्रंट में आई हुक की पट्टी लगाएंगे। आप इसे पीछे भी लगा सकते हैं, मैं इसको आगे लगा रही हूँ। तो ये पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे जो नेक पर अटैच होंगी। स्लीव्स बनाने के लिए हम स्क्वायर शेप में पेपर लेंगे जो डबल रहेगा। अब इसको मोड़ेंगे। अब इसको बीच से ट्रायंगल शेप में मोड़ेंगे। और प्रेस करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम 10 इंचेस रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। दोनों तरफ मार्क करेंगे। इसकी विड्थ 10 इंचेस, ये डबल है तो हाफ करेंगे 5 इंचेस। इस पर भी मार्क करेंगे और इसको मिला देंगे। ट्रायंगल शेप में मिलाएंगे। अब इसको एक बलून शेप देंगे। ऊपर से भी शेप देंगे। ऊपर से इसको हल्का सा कर्व शेप देना है। अब इसको कट कर लेंगे। इस तरह हमारी दोनों स्लीव्स बन जाएंगी। इसको एक बार और मोड़ेंगे और ऊपर से 1 इंच नीचे रखेंगे और मार्क करेंगे। अब इसको राउंड शेप देंगे। और कट कर लेंगे। ये हमारी बलून स्लीव्स बन गई है। अब इसको बीचों बीच एक कट लगाएंगे। इसको पूरा कट नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग फैब्रिक पर करेंगे। ये स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है मैंने, ये डबल रहेगा। इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इस पर पेपर की कटिंग रखेंगे।
और इसकी जितनी भी चौड़ाई है उसको ले लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे पफ अच्छा आता है। इसको पिनअप कर देंगे जिससे ये हिले ना, क्योंकि पेपर है। इसका गैप 6 इंच आया है, इसको मार्क कर लेंगे। ऊपर से 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि प्लेट्स बनने पर ये उठ जाता है तो इसकी लेंथ कम हो जाती है। इसको कट कर लेंगे। इसका कॉर्नर हम कट नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। पेपर की कटिंग को इसके ऊपर रखेंगे और गैप मार्क कर लेंगे। गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा हमारा पफ आएगा। इसमें 1/2 इंच की प्लेट्स डालेंगे। तो ये प्लेट्स डल चुकी हैं। अब हम इसमें लाइनिंग पीस अटैच करेंगे। आप चाहें तो लाइनिंग पीस पर भी प्लेट डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा पफ आता है और उसकी स्लीव्स की गहराई भी बढ़ जाती है। मैंने इसको प्लेन रखा है। स्लीव को हम पलटने वाले हैं, इसलिए हम पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे। इसमें जरा सा गैप रखेंगे। इसको बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। और इसको नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें कट लगाएंगे। सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए। अब इसको पलट लेंगे। अब जो गैप रखा था उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। इसको अंदर साइड मोड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें बहुत ही अच्छा पफ आया है। अब हम इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। इसको नेक पर अटैच करेंगे। इसकी लेंथ हम 10 इंचेस रखेंगे, जो दोनों साइड होगी, फ्रंट और बैक पर।
मार्क कर लेंगे, दूसरी साइड भी मार्क करेंगे। स्लीव्स का मिडिल पॉइंट निकालेंगे, इस पर भी मार्क करेंगे और शोल्डर के बीचों बीच इसको रखकर सिलाई लगाएंगे। इसको पिन अप कर लेंगे। अब इस पर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए स्लीव्स बाहर नहीं होनी चाहिए। डबल सिलाई करेंगे। ये बिल्कुल नेक के ऊपर ही होना चाहिए। दूसरी साइड भी लगाएंगे। इस तरह ये हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। फिटिंग के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। और ये देखिए पहनने पर ये बहुत ही अच्छा लगता है। ब्लाउज तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।